मैं क्या देख रही हूँ गाइस, इसने तो सब उठा लिया और वजन बचा ही नहीं है। बाप रे, कितना खतरनाक है, इधर से कोई गिरा तो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरे ब्लॉग अमित चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आज अपने लोगों को लोग मूड चैनल जिले स्वाधारे स्वागतम। तो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 6:30 और मैं आज बहुत जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक फोटोशूट करनी है आज दुर्गा माँ स्पेशल। तो चलो फटाफट से चलते हैं, जिम वगैरह करके आते हैं। देखो अभी तक सूर्य देवता भी नहीं निकला है, तो चलो फटाफट चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज क्या क्या वर्कआउट करते हैं। वैसे आज मेरा जिम का है 18th डे, तो चलो चलते हैं। गाइस देखो कितनी ठंडी ठंडी मौसम है और ज्यादा इंसान भी नहीं है क्योंकि बहुत सुबह आ गई हूँ मैं आज। गाइस आज बहुत सुबह उठ गई ना, और इतना सुबह सुबह आ गई और ऊपर से ये ओश गिरता है ना, तो ओश गिर रहा है अभी तक, तो इसलिए बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। और ठंड कम भी मौसम आ गया है, तो इसलिए मेरी जुकाम जो है वो बढ़ गई है। अभी मुझे जिम जाना पड़ रहा है ऐसे ऐसे करके। खैर कोई बात नहीं, अभी तो ठंड का मौसम है, ओस तो गिरेगा ही, वैसे अच्छा भी लगेगा, पैदल जाऊंगी, इसलिए मैं हर ठंड के मौसम में पैदल जाऊंगी, लेकिन आऊंगी टोटो से। तो चलो चलते हैं। बाप रे, कितना खतरनाक है, इधर से कोई गिरा तो सीधा ब्रिज के नीचे चले जाऊंगी। तो गाइस चलते चलते मैं फाइनली आ गई जिम में। तो गाइस मैं आ गई जिम के अंदर और आज मैंने शूज पहन लिया है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, इतनी गर्मी के कारण मैंने शूज नहीं पहना था इतने दिनों से, तो आज मैंने पहन लिया है क्योंकि आज मैं ब्लॉग करने वाली हूँ ना, अच्छी दिखने लगी चाहिए ना, है ना। तो चलो आज का जो फ्री हैंड वर्कआउट है वो कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मेन वर्कआउट दिखाऊंगी। और आज का होगा मेरा मेन वर्कआउट होगा बैक का वर्कआउट। तो चलो फ्री हैंड तो कितना देखोगे, है ना, मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस मेरा जितना भी फ्री हैंड वर्कआउट था मैंने कर लिया है, आप लोग मेरी पसंद से अंदाजा लगा सकते हो मैंने कितना सारा वर्कआउट किया है, और ऊपर से पैदल आई हूँ। तो अभी मेरा जो मेन वर्कआउट है ये बैक का, तो वो करते हैं, आ जाओ आप लोग बस देखते रहो। तो गाइस ये वाला भी कंप्लीट हो गया है और अब हमें वो वाला करना पड़ेगा जो कि ये लोग कर रहा है, तो करूँगी यार। मुझे सब कुछ अच्छा बनाना है, जल्दी से मुझे बॉडी बनाना है, थोड़ा सा बड़ा है ना, देखो इतने भी काफ़ी है ना, सिर्फ 1 महीने तो हुआ है। तो चलो ये वाला करते हैं, इसका हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे। इतना वेट है वो भाई साहब, इतना नहीं ले सकते, 20 kg लेते हैं, 25 kg। चलो गाइस देखो, अभी लिया है 40 kg का वेट, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। कर लोगे? देख लेंगे। 1 2। ये मैं क्या देख रही हूँ गाइस, इसने तो सब उठा लिया और वजन बचा ही नहीं है। बाप रे, सारा का सारा उठा लिया तुमने, हाँ वेल डन, बड़ा हो गया आप तो। गाइस आप लोग इसके लिए लड़की देखो, जल्दी से शादी करा देंगे क्योंकि ये सारा का सारा वजन ले लिया है लड़की देखो इसके लिए। तो गाइस ये वाला तो हो गया, अब मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, अब करेंगे इसमें भी। मैं थोड़ा सा वजन ज़्यादा लूँगी, इतना नहीं जितना 40 कर लिया है, चलो करते हैं। Mm-hmm.
गाइस मुझे अच्छा लगा था क्योंकि दो दिन तक इतनी ठंड का मौसम था और सुबह सुबह भी इतनी ठंड का मौसम था, लेकिन फिर से इतना ज़्यादा गर्मी दे दिया है, क्या ही बताओ, पसीने से लोथपोथ हो चुकी हूँ। तो आज का मेरा आखिरी वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। फाइनली मेरी आज का वर्कआउट खत्म हुआ और सक्सेसफुली मेरा डे 18 भी खत्म हुआ है और अब जा रही हूँ मैं घर। यार इतनी गर्मी में वर्कआउट करना, पसीने से लोथपोथ हो जाना, मतलब क्या ही बोले, इतना स्मेल आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरे घर बगल में ही है तो जल्दी चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, चलो अभी चलते हैं घर। हाय गाइस, तो देखो मैं घर आ गई, लेकिन मैंने सोचा था घर आके मैं अच्छे से क्लिप लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे इधर पे आज लाइट नहीं है, पानी भी नहीं था मोटर में, टैंकी में पानी नहीं था। तो किसी तरह से थोड़ी सी पानी से मैंने फटाफट से नहा कर आ गई और मैंने अंडा वंडा सब खा लिया है। मैंने आज 3 अंडा खाया और चने मूंग ये सब खाया है। तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं फिर से 11 बजे चावल खाऊंगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऐसे, तो वहाँ पे गर्मी में वर्कआउट करके आई हूँ और अब घर में भी पंखा नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि इन्वर्टर में पंखा चलाऊंगी तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही रहती हूँ, आप लोगों से मिलते मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, लेकिन रेस्ट करना नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अभी तुरंत जाना होगा कहीं पर, क्योंकि कुछ काम है वीडियोस का तो जा रही हूँ। और वैसे भी दुर्गा पूजा आ रहा है तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मुझे फटाफट से करना होगा। रेस्ट करते रहूँगी तो नहीं होगा, तो रेस्ट तो बाद में भी कर सकते ना, काम निपट के पहले काम करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, मेरा काम निपट के आती हूँ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक लाभ अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 3K बना दो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।